हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है आज संडे का, तारीख 11 दिसंबर, और सुबह के बज गए हैं 10:30 का टाइम हो गया। ऊपर का काम ख़त्म हो गया है, अब बारी आती है नीचे के काम की। तो सबसे पहले मैं नीचे के काम में क्या है, ये टॉयज़ वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जगह जगह फैले हुए हैं। मिट्टी भी आपको बहुत सारी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये मिट्टी ना बहुत थोड़ी जगह में है, ज़्यादा नहीं है, आधे जगह में मिट्टी आधा साफ़ है। तो सबसे पहले टॉयज़ को इकट्ठा करूँगी, क्योंकि बच्चे 4 हैं घर में, तो टॉयज़ वगैरह फैलना तो बहुत ज़रूरी है। तो और टॉयज़ वगैरह घर में फैलते ना, खिलौने घर में फैलते तो पता लगता है कि हाँ घर में बच्चे भी आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो एक साथ जो है वो खेल रहे हैं। तो अभी तो है 2-4 दिन और ऐसे ही फैलेंगे, देन उसके बाद जो है ये कोने में ऐसे लग जाएंगे कि 1 साल के बाद ही निकलेंगे, बहुत महीनों के बाद निकलेंगे। मैं तो बस अभी सबसे पहले जो वो झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू वगैरह लगा के फिर जाऊंगी मैं ऊपर नहाने के लिए। नहाने से पहले ना मैं करने वाली हूँ आज अपने बालों में, क्या है कि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में क्या हो जाता है, एक तो काफ़ी टाइम से जैसे मैंने आपको बताया भी, और काफ़ी टाइम से जो है मेरे बालों में ना बहुत अजीब ड्राइनेस सी हो गई है, बहुत ही रफ़ जो बाल कहते हैं ना वो बाल हो गए। एक तो मैं क्या करती हूँ कि सर्दी में बहुत ही तेज़ गर्म पानी से धोती हूँ, ऊपर से क्या है उसकी वजह से जो है थोड़े से रफ़ हो गए हैं मेरे बाल, बिल्कुल शाइनी जो है वो नहीं रहे हैं। गर्मी में बहुत अच्छे रहते हैं, और सर्दी में क्या होता है ना, मतलब ठंड के मारे हम सोचते हैं कि वीक में एक बार ही धो लो, नहीं तो मैं वीक में 2 बार तो धोती हूँ बाल। और फिर कुछ जैसे बच्चे वगैरह बीमार हो गए थे, तो मैं बालों का ध्यान अच्छे से प्रॉपर रख नहीं पाई थी। तो फिलहाल जो है आज मैं हेयर स्पा करने का मैं सोच रही हूँ, घर बैठे ही हेयर स्पा अपने बालों में करूँ। कैसे क्या कुछ करूँगी वो जो है ट्रिक भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। फिलहाल मैं अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, और क्या होता है ना कि इतना टाइम भी मेरे पास होता नहीं है कि मैं किसी सैलून में जाऊं और वहां जाकर जो है स्पा वगैरह कराऊं, या फिर कोई ट्री मान लो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कैरेटिन सही रहेगा या कुछ और जो है वो ट्रीटमेंट सही रहेगा बालों के लिए, तो आप लोगों ने कैरेटिन के लिए मना भी किया था। तो मैंने सोचा कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन तो होना भी चाहिए, ताकि मैं अपने बालों में थोड़ी सी जो है प्रोटीन सा मेरे बालों को मिले, और थोड़ी सी शाइनी आ जाए, ड्राइनेस जो है रफनेस जो है मेरे बालों में आ गई है, जो ये रफ़ हुए मेरे बाल तो ये भी जो है वो चले जाए। तो फिलहाल जो है मैंने कुछ मंगवाया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा लगाने के बाद पोछा तो क्या है कि यह होता है कि बच्चों जब बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं ना घर में, तो एक को बिठाओ कि नहीं एटलीस्ट ये काम कर ले, थोड़ी देर के लिए तुम लोग बैठ जाओ, लेकिन क्या होता है ना कि वो लोग काम को फिर ज़्यादा फैला देते हैं, तो उसमें ना काम फिर काबू में रहता नहीं है, सारा दिन काम करते रहो लेकिन काम फिर भी जो है वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो फिलहाल तो ये था कि ऊपर से लेकर जीने तक, जीना भी बहुत बड़ा हो जाता है, फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर का जीना, फर्स्ट फ्लोर का देन सेकंड फ्लोर का जीना, तो ये सारा भी जो है वो हो जाता है, और फिर नीचे का भी काम होता है, ऊपर का भी होता है, और फिर घर के सामने भी झाड़ू वगैरह लगाना होता है। तो झाड़ू पोछा वगैरह लगाने में मेरे 2-2.5 घंटे सारे जो है वो चले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस रूम में भी लगा दिया, स्टोर रूम में भी लगा दिया, जीना हो गया है मेरा, और ये नीचे वाला जो बाथरूम के सामने का एरिया जो है वो भी हो गया है, वैसे ये वॉशिंग एरिया टाइप में जो है वो बनवाया हुआ है, और अभी बस रहता है ये वाला एरिया, यहाँ पर भी फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। और अभी जैसे घर वगैरह बन रहे हैं ना यहाँ पर, तो क्या होता है कि मिट्टी वगैरह उड़ती है, सीमेंट उड़ती है, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे इस एरिया में जो कम से कम मतलब 4 से 5 बार जो है वो पानी बदलना पड़ता है, तब जाके अच्छे से क्लीन होता है, क्योंकि ये टाइल्स भी कुछ ऐसी हो गई हैं कि मतलब जैसे पोछा लगा रहे हैं, नहीं तो इधर की वाइटनेस उधर दिखाई देती, उधर की इधर दिखाई देती है, या बहुत बार तो ऐसा होता है कि 2-2 बार जो है वो पोछा लगाना पड़ता है, तब जाके जो है टाइलों में चमक आती है, नहीं तो फिर टाइलों में चमक अच्छे से आ नहीं पाती है। और ये मतलब कंटिन्यू बेसिस पे करते रहे तब रहता है, मान लो एक दिन बीच में स्किप कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि 2 बार पोछा लगाना पड़ जाता है, ऐसे ही कुछ इस तरह की जो ये टाइल्स हैं। तो फिलहाल पोछा मारा होगा, अभी चलते ऊपर और फटाफट से अपने बालों के लिए कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज शेयर करने वाली हूँ, स्पेशल अपने बालों के लिए। क्या होता है मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए, और जब ये सर्दी की जो मौसम आता है ना उसमें ये चीज बहुत ही ज्यादा जो है वो हो जाता है कि बहुत बाल बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा गर्म पानी से हम अपने हेयर वॉश कर लेते हैं तो उनका प्रोटीन भी चला जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, बहुत ड्राइनेस जो है बालों में आ जाती है। तो जी, आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या है कि कभी किसी को सैलून से हेयर को फ्लॉन्ट करते हुए निकलते देखा है?
जरूर देखा होगा, और साथ में आपके आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस टाइम जो है वो हो रहे होंगे। हेयर को फ्लॉन्ट करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कैरेटिन बेटर है या स्पा? डज इट रियली वर्थी? व्हाट विल बी आफ्टर इफेक्ट्स? दैट माइट बी कॉस्टली एंड टाइम इज टेकन प्रोसेस एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस आल्सो। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू टू चूज द बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आपके बालों की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो गई है, या फिर आपको ये देखना है कि आपके बाल को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है, या फिर मतलब इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं है, हल्के से केयर से जो है आपके बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर जो है वो हो जाएंगे। इफ़ यू हैव डैमेज हेयर और उनका प्रोटीन खत्म हो गया है, देन यू मस्ट गो टू द कैरेटिन विच लास्ट अप्रोक्स 6 मंथ। बट अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है लाइक हेयर फॉल, फ्रीजी हेयर, ड्राई हेयर एंड यू जस्ट वॉन्ट सिल्की एंड शाइनी, बस आप इतना चाहते हो कि आपके बाल जो है वो फ्रीजी हो गए हैं या फिर मतलब झड़ भी रहे हैं और आपको शाइन चाहिए अपने बालों में, देन यू गो विद द स्पा ट्रीटमेंट। हेयर स्पा ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि हेयर स्पा से क्या होता है वीक में कुछ वीक्स में आप एक बार करवा सकते हो, यानी मंथ में एक बार आप करवा सकते हो, या 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार जो है आप इसको जो है वो करवा सकते हो। बहुत ही अच्छा रहेगा हेयर स्पा आपके फ्रीजी ड्राई हेयर के लिए। आप अपने बालों में बाउंस चाहते हो, सिल्की एंड शाइनी चाहते हो, तो आप हेयर स्पा जो है वो करवा सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हेयर स्पा हर मंथ करवाना जो है वो हमारे बजट में रहेगा या नहीं, तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। दैट इज न्यूड का 10 मिनट्स DIY एडवांस हेयर स्पा किट। ये है न्यूड की 10 मिनट में आप जो है घर बैठे जो सैलून लाइक स्पा होता है ना, जिसमें सारे स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप जो आपको इस न्यूड की इस DIY 10 मिनट्स DIY एडवांस हेयर स्पा किट में आपको मिल जाती हैं। ये मैंने स्पेशल अपने बालों के लिए मंगवाया, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं, तो इसमें क्या है कि अपने बालों को बाउंस देने के लिए, थोड़ा सा सिल्की करने के लिए, कहना कि ऐसा होता है ना, बहुत सिल्की होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और जगह जगह बाल झड़ते हुए दिखते तो बहुत ज़्यादा गंदा जो है वो लगता है। तो इसमें जो 4 स्टेप आते हैं, बिल्कुल 10 मिनट का प्रोसेस है, वो मैं आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट न्यूड का हेयर स्कैल्प स्क्रब, ये स्क्रब 3 मिनट तक आपको इसकी जो है वो मसाज करनी है। देन न्यूड का हेयर स्पा शैम्पू, ये है शैम्पू न्यूड का। देन इसके बाद बारी आती है हेयर स्पा कंडीशनर की, ये भी न्यूड का ये तीसरी किट है कंडीशनर। एंड देन ये है न्यूड का हेयर सीरम, ये आपको लगाना है। तो जी अभी फटाफट से जो है हम अपने बालों में घर बैठे करते हैं स्पा, सारी डिटेल मैं आपको जो है वो बताने वाली हूँ, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ भी अवेलेबल होगा, न्यूड की वेबसाइट पे है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, जहाँ भी अवेलेबल होगा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि बहुत बहुत बेटर है। मुझे एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट में घर पे जो हेयर स्पा जो मिल रहा है ना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फर्स्ट स्टेप हमारा स्क्रब। सबसे पहले जो है अपने बालों को गीला करना है और उसमें भी स्क्रब जो है इस्तेमाल करना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और इसको है यूज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। जेंटल मसाज करनी है अच्छे से, तो ये कुछ इस तरह का आता है भाई, ये आता कुछ इस तरह का। अभी चलते हैं फटाफट से मसाज करने के लिए। सबसे पहले स्टेप में आता है हेयर स्क्रब, जिसमें आप टीनी कॉफी बिट्स विच विल एक्सफोलिएट योर स्कैल्प। ऑल ऑफ यू टू डू दिस, टेक ए स्क्रब एंड दैट एंड मसाज ऑन योर वेट हेयर जेंटली। जेंटल मसाज विल इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूव योर हेयर ग्रोथ। आफ्टर 3 मिनट ऑफ मसाज रिंस योर हेयर विद ल्यूकॉम वाटर। बिल्कुल 3 मिनट के लिए इसको मसाज करना है, और 3 मिनट के मसाज के बाद जो है इसके इसको जो है हल्के गुनगुने पानी से जो है वो धो लेना है। देन इसके बाद बारी आती है शैम्पू की। ये इन सेकेंड स्टेप यू हैव टू अप्लाई शैम्पू ऑन योर हेयर। सॉफ्ट शैम्पू करना इज शैम्पू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज ये स्टेप आपके हेयर में से एक्स्ट्रा
सीबम को रिमूव करता है, जो हेयर स्कैल्प को ऑयली रखता है। इसके साथ साथ ये आपके बालों में से डर्ट एंड पोल्यूशन से होने वाला डैमेज से भी आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। वंस डन राइजन ऑल द शैम्पू फ्रॉम योर हेयर। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आपको शैम्पू ऑलवेज हेयर स्कैल्प में उसको करना चाहिए। अगर आपको शैम्पू को हेयर टिप्स पर उसको करोगे तो आपके हेयर टिप्स से ड्राई हो जाएंगे, नहीं तो बाल आपके। देन अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, जो है कि कंडीशनर। कंडीशनर आपको हमेशा हेयर लेंथ पर लगाना चाहिए, बिकॉज कंडीशनर आपके बालों को शाइन एंड बाउंस लुक दे देगा। तो आपको कंडीशनर को वेट बालों में लगाना है, 3 मिनट के लिए छोड़ना है। देन राइजन इट ऑफ, मतलब विद लूकवॉर्म वाटर। न्यूड में, न्यूड कंडीशनर में हिबिकस जो आपके बालों में मेलानिन क्रिएट करने में हेल्प करता है और नेचुरल शाइन एंड बाउंस दे देगा बालों को। कैरेटिन जो बालों की हेयर ग्रोथ में भी आपकी जो है वो हेल्प करने वाला है। फोर्थ स्टेप आता है हेयर सीरम न्यूड का। वंस यू आर डन विद द हेयर कंडीशनर, अप्लाई न्यूड हेयर सीरम ऑन डैम्प हेयर सॉफ्ट एंड लीव इट टू अब्सॉर्ब कम्प्लीटली। दिस सीरम हैज़ एरागन ऑयल, जोजोबो ऑयल, एडवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल, विच हेल्प प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम डेली डैमेज, प्रिवेंट डैंड्रफ एंड ईचिंग स्कैल्प एंड हेयर अप, स्पीड अप हेयर ग्रोथ रिस्पेक्टिवली, एंड दिस इट नाउ कैन फ्लॉन्ट यू आर ए हेयर टू। बैठे किया है हेयर स्पा न्यूड का, 10 मिनट्स DIY एडवांस हेयर स्पा है ये, और मेरे बालों में बहुत जबरदस्त वाला स्पा हुआ है। बहुत जबरदस्त शिल्की आ गए, शाइन हो गए हैं और कितनी जबरदस्त चमक जो है वो हो गई, देख सकते हैं आप लोग। और मुझे तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में लगी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप भी लेना चाहते हैं तो बाय, मस्ट बाय प्रोडक्ट है, मैं ये कहूंगी मस्ट बाय प्रोडक्ट है। और सारा एप्लीकेशन वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। स्क्रब को सिर्फ 10 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए जो है बालों में स्क्रब करना है, हल्के जो गीले बाल होते हैं उनमें स्क्रब करना है, और उसके बाद धो लेना है। देन शैम्पू करना है और 3 मिनट के लिए अच्छे से शैम्पू करना है हल्के हल्के मसाज से, उसके बाद धो लेना है। देन कंडीशनर है, 3 मिनट के लिए आपको रखना है। उसके बाद बारी आती है सीरम की, और अभी मैंने जो है अपने बालों में लगाया हुआ सीरम अब्सॉर्ब होने के लिए मैंने इसमें छोड़ दिया है। और फिलहाल मेरे बाल जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे जो हैं वो लग रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मोस्ट बाय प्रोडक्ट है, जरूर खरीदिएगा। न्यूड की साइट पर भी अवेलेबल है और देन फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी जो है वो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। थैंक यू सो मच।